हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मूंगफली का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। और इस नाश्ते की खासियत है कि मैंने इनको चार अलग अलग डिज़ाइन में बनाकर तैयार किया है। और इसमें से तीन नाश्ते को आप 10 से 15 दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम एक चम्मच जीरा डालेंगे, तीन सूखी खड़ी लाल मिर्च, एक बड़ी चम्मच सौंफ, 9 से 10 काली मिर्च, आधा कटोरी मूंगफली के दाने और एक बड़ी चम्मच सफ़ेद तिल डालकर इनको धीमी आंच पर भूनेंगे। ध्यान रखिएगा, हमें इनको धीमी आंच पर ही भूनना है, हमें इसको लगातार चलाते रहना है। मूंगफली और मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनको ठंडा कर लेंगे। मूँगफली और मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, अब हम इनको एक मिक्सी जार में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा कटोरी मूंग दाल की नमकीन। अब इसमें ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच चीनी, आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे नमक। अब हम इसको महीन पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको महीन पीस लिया है। अब हम एक बर्तन लेंगे, अब इसमें मूंगफली के मिक्सचर को डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 150 ग्राम मैदा, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और 2 बड़ी चम्मच देसी घी डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आटा हमारा वाइंड होने लगा है तो घी इसमें एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसको हाथों से मसल मसल कर चिकना कर लेंगे। अब हम इसको 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो आटा हमारा जब तक सेट हो रहा है तब तक हम नाश्ते के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी लेंगे, घी को गर्म करेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर इनको भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज और इसको भी भून लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, हमें प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें आधा छोटी चम्मच हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, आधा छोटी चम्मच पिसा हुआ जीरा, आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इन मसालों को हम आधा मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें आधा बारीक कटी हुई गाजर और थोड़े से बारीक कटे हुए हरी मटर के दाने डालेंगे और इनको धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू डालेंगे जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और इनको प्रेस करते हुए मिलाएंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और इसको 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हमें इसको लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे हींग। आपको अगर हींग पसंद नहीं है तो आप इसमें मत डालिएगा। और लास्ट में हम डालेंगे थोड़े से स्वीट कॉर्न और इनको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम आटे की इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको हमें चारों तरफ से बराबर बेलना है। अब हम इसको चाकू की सहायता से इस तरीके से कट कर लेंगे। हमें इनको बराबर स्ट्रिप्स में कट करना है। अब हम इसके बीच में स्टफिंग को रखेंगे। स्टफिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम एक स्ट्रिप्स को उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। अब हम पहली वाली स्ट्रिप्स पर पानी लगाकर दूसरी वाली स्ट्रिप्स को इसके ऊपर इस तरीके से चिपकाएंगे। इसी तरीके से हम सारे स्ट्रिप्स को एक के ऊपर एक करते हुए चिपकाते जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, हमें इनको पानी लगाकर ही चिपकाना है। अब हम एक गोल ढक्कन लेंगे और ढक्कन से हम इसके बीच वाले भाग को थोड़ा सा प्रेस करेंगे। इस प्रोसेस से स्ट्रिप्स हमारी खुलेंगी नहीं। अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इसको बेल लेंगे और इसको ढक्कन की सहायता से गोल शेप में कट कर लेंगे। अब हम चाकू की मोटी वाली साइड से इसको 8 बराबर भाग में डिवाइड करेंगे। हमें इसको कट नहीं करना है। अब हम चाकू की सहायता से इनके आधे भाग को कट करेंगे। अब हम इसको हाथ पर उठा लेंगे और इसको इस तरीके से खींचते हुए एक पत्ती का रूप देंगे। इसी तरीके से हम सारी पत्तियों को बना लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा फूल बनकर आया है। अब हम इसके बीच वाले भाग पर पानी लगाएंगे और इस फूल को इस पर अच्छे से चिपका देंगे। अब हम एक लौंग लेंगे और लौंग को इसके बीच में इस तरीके से लगाएंगे। तो ये लीजिए, मूंगफली का डिजाइनर नाश्ता बनकर तैयार है। अब हम दूसरी डिजाइन बनाएंगे और इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे, इसको बेल लेंगे, इसको इतना बड़ा बेल लेंगे और इसको अब रेक्टेंगल शेप में काट लेंगे। इसके किनारों को हटा देंगे और इसको 8 बराबर भागों में इस तरीके से काट लेंगे।
ध्यान रखिएगा ऊपर की साइड को कट नहीं करना है। अब इसकी एक स्ट्रिप्स पर पानी लगाएंगे और मटर का दाना रखते हुए इसको इस तरीके से रोल कर लेंगे। इसको प्रेस करते हुए रोल करना है, उसको ऊपर साइड में ले जाकर इसको इस तरीके से कर लेना है। ऐसे ही हम दूसरी स्ट्रिप्स को फोल्ड करेंगे और इसमें पानी लगाकर इसको पहली वाली स्ट्रिप्स में चिपका देंगे जाकर। इसी तरीके से हम सारी स्ट्रिप्स को एक के पीछे एक चिपकाते जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आखिरी और पहली स्ट्रिप्स के किनारों को पानी लगाकर जोड़ देंगे। अब इन दोनों व्हील्स को भी पानी लगाकर अच्छे से जोड़ देंगे। अब उंगली की सहायता से बीच के भाग को गोल कर लेंगे। अब एक टूथपिक की सहायता से मटर के दानों में होल कर लेंगे ताकि ये फ्राई करते हुए फटे ना। अब इसे चाकू की सहायता से अलग कर लेंगे। ये लीजिए स्पिनर स्टाइल नाश्ता तैयार है। अब हम बनाएंगे तीसरी डिजाइन, इसको भी हम स्टोर कर सकते हैं। बड़ी एक लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको हम चारों तरफ से बराबर बेलेंगे। अब हम चाकू की सहायता से इसको रेक्टेंगल शेप में कट कर लेंगे और इसके एक्स्ट्रा भाग को हम हटा देंगे। अब हम चाकू की मोटी वाली साइड से इस पर इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। अब हम ज़्यादा वाले भाग को इस तरीके से कट करेंगे। अब हम इसको पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेंगे। स्ट्रिप्स को हमें बराबर ही कट करना है। अब हम तीसरी स्ट्रिप्स को उठाएंगे और पहली वाली स्ट्रिप्स को इसके नीचे से लेकर जाएंगे और तीसरी स्ट्रिप्स को पहली वाले स्ट्रिप्स के ऊपर चिपकाएंगे। अब हम दूसरी वाली स्ट्रिप्स को चौथी वाली स्ट्रिप्स के नीचे से ले जाएंगे और फिर दूसरी स्ट्रिप्स को चौथी स्ट्रिप्स पर इस तरीके से चिपकाएंगे। आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। सेम प्रोसेस से हम सारे स्ट्रिप्स के इस तरीके से एक डिज़ाइन बना लेंगे। अब हम इसकी इस साइड से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और लास्ट में थोड़ा सा पानी लगाकर इसको इस तरीके से इस पर चिपका देंगे। इसको हम अच्छे से चिपकाएंगे ताकि ये फ्राई करते हुए खुले ना। तो ये लीजिए हमारा नाश्ता फ्राई होने के लिए तैयार है। तो अब हम चौथी डिजाइन बनाएंगे और इसको भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे। अब हम इसको चारों तरफ से बराबर बेलेंगे। हमें इसको चारों तरफ से बराबर बेलना है। तो ये देखिए मैंने इसको इतना बड़ा बेल लिया है और हमें इसको बहुत ज़्यादा ना मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है। अब हम चाकू की मोटी वाली साइड से इसमें इस तरीके से मार्क्स लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा हमें इनको कट नहीं करना है, हमें खाली इसमें मार्क्स लगाना है और हम इनको पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेंगे। अब हम चाकू की मोटी साइड से इस साइड में भी इसमें मार्क्स लगा लेंगे। हमें यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि मार्क्स हमें हल्के हाथों से लगाना है। अब हम एक गोल साइज़ का छोटा सा ढक्कन लेंगे और इनको गोल शेप में अच्छे से कट कर लेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार इनको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। अब हम इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे। तो नाश्ता हमारा फ्राई होने के लिए तैयार है। तो इसके लिए एक कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें नाश्ते को फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को धीमा कर लेंगे और इनको धीमी आंच पर करारा होने तक फ्राई करेंगे। बीच में एक मिनट के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और फिर धीमा कर लेंगे। इस नाश्ते को सिकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो नाश्ता हमारा फ्राई हो गया, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।